नमस्ते दोस्तों, आज ऐसे चकोर गल्ला में ऐसे हम गल्ला ये बड़ा हो गया है कि इसे हम छोटा कर इसे अभी बताने जा रही हूँ। ये मेरा ब्लाउज हो गया है और इसमें देखिए तीन कपड़ा हम लिए हैं। तीन कपड़ा इस ढंग में लिए हैं कि ब्लाउज में सुंदरता बढ़ जाए, खूबसूरती लगे। तो देखिए ये मैं ऐसे गाजी कलर का है तो गाजी कलर का इसमें छीट भी है। अब ये आगे ऐसे कि काला परी है तो इसमें काला भी छीट है। अब ये हम ले लिया है ऐसे पाइपिंग डालेंगे तो पाइपिंग जो ऐसे कपड़ा है ब्लाउज का इसमें ऐसे कलर मिल जाता है। तो अब चले आए हम दिखाते हैं अब इसे बनाकर। तो बिल्कुल एक कपड़ा हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए हम इसे 3 इंची चौड़ाई में हम इसे काट लेंगे। अब हम ब्लाउज कैसे किनारे कर देते हैं, अब हम डिजाइन इसमें बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे हम 3 इंची का, अब इसमें गला हम 1.5 इंची कैसे छोटा बनाएंगे। तो हम इसमें ऐसे 3 इंची के मार्जिन ऐसे ले लेते हैं, कपड़ा को ऐसे हम कटिंग कर लेते हैं। अभी कपड़ा निकाल दिया, अब हम ब्लाउज को पीछे का जो चकोर है उससे भी हम नाप लेते हैं। अब देखिए जब भी इधर रखें तो थोड़ा ऐसे 1/2 इंच भी बेसी रखें। आइए इधर भी हम ऐसे 1/2 इंच बेसी रखें। तो अभी यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लें। अभी मेरा ऐसे कट गया है। अब इसमें हम डिजाइन बैठाएंगे तो सबसे पहले इसको कुछ करेंगे हम सिलाई से चला देते हैं 1/2 इंची पर ही। सिलाई चल गया हम, इसको पलट लेते हैं। अब मेरा ये पलटा गया है, इसे नकुन्नी भी मार लेते हैं। अब इस पर हम सिंघाड़ा वाला डिजाइन बैठाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे जास्ती नहीं, हम 1.5 इंची चौड़ाई हम काट लेते हैं। देखिए 1.5 इंची यहाँ पर आया था तो 1.5 इंची तो मेरा छोटा छोटा सिंघाड़ा हो, तो देखिए हम 2 इंची की निकाल लेते हैं क्योंकि 1/2 इंची सिलाई में दब जाएगी। अब इसे हम मोड़ लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं मेरा 6 गो निकल रहा है ना, तब हम इसे 4 फुट काट देते हैं। इस गल्ला का तो गल्ला में हम ऐसे नाप लेते हैं। देखिए 2 इंची हम छोटा कर देते हैं तो 2 इंची पर हम यहाँ निशान लगा देते हैं और सेम हम 2 इंची की इधर भी निशान लगा देते हैं तो मेरा दोनों तरफ बराबर रहे। 2 इंची पर निशान लग दिया। अब इसे हम नाप लेते हैं कि मेरा कितना में आएगा। अब इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं। ये मेरा बराबर है, अब इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं। मेरा ऐसे सीधा से डिजाइन बैठे, अब इसमें हम डिजाइन बैठा देते हैं। अब देखिए ये 4 फुट कपड़ा हो गया है। इसे जब भी डिजाइन बैठाए हम ऐसे सिंघाड़ा तरह कर ले, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पर से सिलाई लगा दें। फिर हम वैसी दूसरा भी बैठा ले। वैसी हम सारे ऐसे बैठा देंगे, इसमें ऐसे बैठा दिए हैं। अब इसको जो भी ऐसे कपड़ा है फालतू हम उसे कटिंग करके निकाल लेते हैं। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग का कपड़ा भी हम दिखाए थे तो सेम हम यही कपड़ा को पाइपिंग इसमें लगा देते हैं। पहले हम इसको इतना काट लेते हैं बराबर से। ये जो कपड़ा है तो हम इसे सिल लेते हैं ताकि मेरा ऐसे जो भी ये रेशा निकल रहा है वो अंदर चल जाए। इसे हम रेसा को काट के निकालते हैं। रेसा अंदर चल गई है, हम ऐसे कैंची भी इसे पलट सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है ना। मेरा क्या हो गया, रेसा अंदर सब चल गया। अभी हो गया है। अभी इसमें हम सेम बस इस फ्रेम में बैठा देंगे, जितना पर हम सिलाई चलाए थे सेम हम उतने ही पर इसमें चला देंगे। Thank you.
अब हमें देखिए यहाँ पर ऐसे आगे, यहाँ पर देखिए एक नहीं दबा है ना, तो हम एक सिला और ऐसे हटके लगा देते हैं। अब मेरा यहाँ देख लेते हैं कि मेरा सारा ऐसे दब चुका है, अच्छा लग रहा है। इसे हम फिर से हम पतला करके इधर पलट दे, ज्यादा नहीं, दो सूता भर रहने दे। इसे बराबर से हम ऐसे देख ले। मेरा ये बन चुका है, अभी इसको हम ब्लॉक करके सिलाई चला दे। इसमें हम ऐसे अभी निशान भी लगाए थे ना, तो हम बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं, निशान पर ही हम ऐसे बैठा लेंगे। बिल्कुल इधर देखिए ज्यादा आ रहा है, तो हम इसे बराबर करके बैठाएंगे कि दोनों तरफ सेम अच्छा लगे दिखने में। ठीक, इतना पर हम बैठा देते हैं। इसे कुछ भी नहीं करना है, बस एक सिलाई लगा देना है। मेरा ये गल्ला भी छोटा हो गया है, इसमें डिजाइन भी बन गया है। अब इस पर हम मोती बैठा के अभी बता रहे हैं। देखिए इसमें हम ऐसे मोती यहाँ पर भी ऐसे बैठा के ऐसे बताने जा रही हूँ। ये मेरा मोती हो गया है, छोटा वाला है, अब इसमें हम बैठा कर बताने जा रही हूँ। मेरा खूबसूरती ब्लाउज लगेगा। मेरा मोती लगने से और खूबसूरती बढ़ गया है, गल्ला भी छोटा मेरा हो गया है और डिजाइन भी बन गया है। और देखिए मेरा ये ब्लाउज में ऐसे सुंदर भी बढ़ गया है, गल्ला भी छोटा भी हो गया है और बिल्कुल ऐसे अच्छा भी लगा। तो बिल्कुल और भी ऐसे तरह तरह के ऐसे डिजाइन भी, कटिंग भी और सिलाई भी मेरे चैनल पर से जाकर आप लोग जरूर से देखिएगा एकदम से, कि आप लोग सीख भी सकते हैं। बाय।